हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉप नॉट्स ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू इमेज प्रोसेसिंग देखेंगे, जिसमें हम थोड़े से टॉपिक्स देखेंगे, जैसे इमेज क्या होता है, वीडियो क्या होता है, रास्टर इमेज क्या होता है, इमेज के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले इमेज क्या होता है। तो इमेज एक टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड। सपोज हमने कुछ बिल्डिंग का अगर फोटो लिया, तो नॉर्मल में बिल्डिंग थ्री डायमेंशनल वे में दिख होती है, तो उसको इमेज में जब हम दिखाएंगे तो टू डायमेंशंस दिखेंगे उसके। तो इमेज टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी हम बोलते हैं कि इमेज, सपोज एक इमेज है जो रिप्रेजेंटेड हैज़ थ्री BPP, तो उसका मतलब क्या होता है। तो BPP एक्चुअली बिट्स पर पिक्सल रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब ये होता है कि ईच जो भी एक एक पिक्सल होगा वो रिप्रेजेंटेड होगा यूजिंग थ्री बिट्स। तो थ्री BPP में नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स आर 2^3। वैसे अगर इमेज 8 BPP का होगा तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स आर 2^8। तो सपोज 2^3 पॉसिबल कलर्स है, तो मतलब 000 से 111 के बीच में कलर्स होंगे, जिसमें 000 ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करेगा, 111 वाइट कलर रिप्रेजेंट करेगा, और उसके बीच के सब कलर्स ग्रे वैल्यूज़ होंगे। जो भी वैल्यूज़ होगी वो ग्रे वैल्यूज़ होगी। अब नेक्स्ट है इमेज टाइप्स। तो बेसिकली चार टाइप्स के इमेज होते हैं। एक होते हैं मोनोक्रोम इमेज, दूसरे होते हैं ग्रे स्केल इमेज, थर्ड है कलर इमेजेस, और फोर्थ है हाफ टोन्ड इमेज। तो मोनोक्रोम इमेज या बिटमैप इमेज भी कहते हैं उसे, और उसका दूसरा नाम है बाइनरी इमेज भी। तो बेसिकली एक सिंगल बिट में हम उसकी कलर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या पिक्सल वैल्यू को। तो वो सिंगल बिट आइदर 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो 0 नॉर्मली ब्लैक रिप्रेजेंट करता है और 1 वैल्यू वाइट रिप्रेजेंट करता है। फिर नेक्स्ट टाइप है ग्रे स्केल इमेज। तो ग्रे स्केल इमेज में हम एक बाइट में इमेज की वैल्यू दिखाते हैं। एक बाइट मतलब या तो 8 bits में भी बोल सकते हैं। तो इसका रेंज होता है फ्रॉम 0 to 255, जिसमें 0 ब्लैक होता है और 255 वाइट होता है। तो इसमें जो शेड्स होंगे वो आइदर ब्लैक का हो सकता है या वाइट का हो सकता है, या ग्रे के शेड्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइप है कलर इमेज, जिसमें हम कलर्स को 24-bit में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 3 प्राइमरी कलर्स यूज़ किए जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ईच पिक्सल जो होगा वो RGB वैल्यूज़ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस हर वैल्यू यूज़ की जाएगी, R का, G का, V का, और इसमें हर R, G, V का जो वैल्यू होगा वो 8 bits में रिप्रेजेंट किया जाएगा या 1 byte में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस तरह से 24 bits बनेंगे। इसमें जैसे लिखा है 24 bits इज इक्वल टू R का 8 bits, G का 8 bits और B का 8 bits। और एक और चीज़ है, अगर आपको ग्रे कलर वैल्यूज़ को ग्रे लेवल वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है, तो एक फॉर्मूला है X इज इक्वल टू R+G+B द होल डिवाइडेड बाई 3। नेक्स्ट टाइप है हाफ टोन्ड इमेज। तो नॉर्मली अभी हम देखेंगे तो मोनोक्रोम इमेज से ग्रे स्केल लेवल वाला इमेज बेटर होगा, क्योंकि उसमें शेड्स भी होंगे ग्रे के। लेकिन प्रिंटर्स जब हम यूज़ करते हैं, तो प्रिंटर्स में बाय लेवल डिवाइसेस होते हैं, मतलब उसमें सिर्फ ब्लैक कार्ट्रिज होता है। तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, 2 levels, जिसमें ब्लैक कंटेंट होगा और वाइट बैकग्राउंड में प्रिंट किया जाएगा। तो फिर हमें बेटर क्वालिटी का इमेज नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग हाफ टोन्ड इमेजेस यूज़ करते हैं फॉर प्रिंटर्स। तो हाफ टोन्ड इमेजेस हमें इंटीग्रेशन टेक्निक से मिलती है। ये हुआ हाफ टोन्ड इमेज का। आप देख सकते हैं ओरिजिनल इमेज और हाफ टोन्ड इमेज में क्या डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट है वीडियो। तो वीडियो एग्जैक्टली क्या होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ 30 frames विच विल चेंज एवरी सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में 30 frames चेंज किए जाएंगे। अब डिफरेंस आता है रास्टर इमेज में और वेक्टर इमेज में क्या डिफरेंस है। तो रास्टर इमेज एक नॉर्मल इमेज होता है, लेकिन वो ब्लर होता है। वो ब्लर इसलिए होता है क्योंकि जो जूम करने का टेक्निक यूज़ किया जाता है उसमें, वो होता है डुप्लीकेशन टेक्निक। तो डुप्लीकेशन टेक्निक क्या होता है और जूमिंग के और कौन से टेक्निक्स अवेलेबल है, ये हम दूसरे वीडियो में लेंगे। नेक्स्ट है वेक्टर इमेज।
तो वेक्टर इमेज एक्चुअली मैथमेटिकल ऑपरेशन से उसको जूम किया जाता है, इसके लिए वो ब्लर नहीं होता है। तो इतना याद रखिए कि रास्टर इमेज में एक तो ब्लर होती है इमेज, और दूसरा उस पर डुप्लीकेशन मेथड यूज़ किया जाता है, और वेक्टर इमेज में ब्लर नहीं होता है इमेज क्योंकि उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से जूमिंग किया जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।